नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कमरे में 34 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। सिद्धार्थनगर जिले में कमरे में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवासीय परिसर का है। मृतक युवक का नाम गणेश मिश्रा है। वह पड़ोसी जनपद बस्ती के ग्राम दुबौली का निवासी था। मृतक गणेश मिश्रा शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्टाफ नर्स मधु का पर्सनल ड्राइवर था और मधु को आवंटित आवास के एक कमरे में रहता था। रविवार की सुबह गणेश का शव नर्स मधु ने उसके कमरे में देखा और इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। लोगों के अनुसार गणेश अपने बिस्तर पर मृत हालत में मिला। उसका कमरा अंदर से बंद नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या या कुदरती मौत पर कुछ भी कहने से बच रही है। CEO शोहरतगढ़ प्रदीप यादव ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वह कुछ कह पाएंगे और उसी के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाही होगी। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। सीएससी में 34 वर्षीय युवक की लाश मिली, इस संबंध में आप क्या कहेंगे सर? थाना सोहरतगढ़ अंतर्गत सीएससी सोहरतगढ़ परिसर में एक स्टाफ नर्स के ड्राइवर गणेश मिश्रा सनाब दिनेश ग्राम दुबौली वाटरगंज बस्ती के जो रहने वाले थे, उनकी आज मृत अवस्था में कमरे में बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम पश्चातनामक कार्रवाई की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम टेस्ट क्या लग रहा है सर? पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद ही कुछ बता पाए।